चलो अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग आज देखेंगे क्या, आज पढ़ेंगे क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें 4.1 बता दिए तुम लोग को, 4.2 भी बता दिए। आज देखेंगे प्रश्नावली 4.3, प्रश्नावली 4. अब प्रश्न अथी चैप्टर 4 का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। क्या नाम है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में हम प्रश्नावली 4.1 और 4.2 पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और तुम लोग जो अभी तक नहीं देखा है चैप्टर 1, 2, 3 जो अभी तक नहीं देखा वो देख ले जाके, उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद 4.3 पढ़ें। और एनसीईआरटी मैथ में जो है त्रिकोणमिति भी हम समाप्त कर दिए, ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ा रही है, जो त्रिकोणमिति उसको पढ़ना है जाके एनसीईआरटी मैथ पर क्लिक करें और त्रिकोणमिति पढ़ लें, ठीक है ना। और द्विघात समीकरण में हम पूरा त्रिकोणमिति और पूरा हाइट एंड डिस्टेंस और पूरा क्षेत्रमिति और नियामक ज्यामिति समाप्त कर दिए, तो भारतीय भवन पर क्लिक करें, भारतीय भवन मैथ पर टोटल मिल जाएगा। उसी प्रकार और जो मेरा वीडियो चाहिए जैसे फिजिक्स का चाहिए तो फिजिक्स ऑल चैप्टर पर क्लिक करें तो फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री और चैप्टर पर क्लिक करेगा तो केमिस्ट्री का मिल जाएगा, बायोलॉजी और चैप्टर पर क्लिक करेगा तो बायोलॉजी मिलेगा। उसी प्रकार साइंस का क्वेश्चन अगर चाहिए क्वेश्चन आंसर तो साइंस क्वेश्चन आंसर सीरीज पर क्लिक करेगा तो साइंस का टोटल वीडियो मिल जाएगा। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में जैसे हिस्ट्री चाहिए या ज्योग्राफी चाहिए या किसी का भी वीडियो चाहिए तो सामाजिक विज्ञान सभी चैप्टर का चाहिए उस पर क्लिक करेगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। और सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन आंसर पर क्लिक करेगा तो क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और एक मेरा न्यू चैनल है जगदेव ब्लॉग, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जाकर सब्सक्राइब कर लो, मेरा ही चैनल है जगदेव ब्लॉग, मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना प्रश्नावली 4.3। पहले देखते हैं कुछ बेसिक, क्या देखते हैं यहाँ जाते कुछ बेसिक देखते हैं, क्या देखते हैं ए बंदर, पहले कुछ बेसिक देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। देखें यहाँ पर द्विघात समीकरण में बताए थे द्विघात समीकरण का मूल निकालने का है बंदर, द्विघात समीकरण का मूल निकालना है ना, मूल बोले तो एक्स का मान, मूल बोले तो एक्स का यानी जो चर है उसका मान। तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने का तीन विधि है, कितना विधि है, तीन विधि है, कितना विधि है, तीन विधि है, ठीक है ना। पहला जो विधि है उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, क्या बोलते हैं, और तुम लोग को गुणनखंड विधि काफ़ी अच्छा से हम पढ़ा दिए, पढ़ाए थे ना प्रश्नावली 4.2 में, नहीं बताए थे गुणनखंड विधि, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करो और बीच वाला को स्ट्रेट तोड़ो कि गुना करने पर जो गुना किए थे वो आ जाए और जोड़ है तो जोड़ने या घटाने पर बीच वाला जाए, बताया था तुम लोग को। तो गुणनखंड विधि तुम लोग को 4.1 तुम लोग को 4.2 ने जो देखा हो जाए देख लो, उसमें गुणनखंड विधि हम काफ़ी अच्छा बताए थे। उसके बाद सेकेंड जो होता है वो होता है वर्ग करके हल करने की विधि, हल करने की यानी वर्ग करके हम हल कर लेंगे यानी एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तीसरा जो होता है वो होता है द्विघात सूत्र से, क्या होता है द्विघात, एक तो सूत्र है उस सूत्र पर बैठा देगा तो एक्स का या वाई का मान यानी चर का मान निकल जाएगा, तो उसको होता है द्विघात सूत्र। और जो द्विघात सूत्र है कौन दिया, तो द्विघात सूत्र जो दिया था वो दिया था एक गणितज्ञ था, उसका नाम था श्रीधराचार्य, क्या कौन था, ये द्विघात सूत्र को दिया ना, सूत्र को बनाया होगा ना, कोई आविष्कार किया होगा ना, तो उसका नाम है श्रीधराचार्य, कौन नाम है, तो इसको हम श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं, श्रीधराचार्य विधि भी। तो हम लोग ये तो काफ़ी अच्छा ही देख लिए थे, अब देखेंगे ये वाला और ये वाला। तो वर्ग करके हल करने की विधि, वर्ग करके हल करने की विधि देखेंगे, उसके बाद देखेंगे द्विघात सूत्र के, पहले हम सूत्र देखते हैं, ठीक है। नहीं तो अभी हम देखेंगे, अभी हम चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तुम्हारा यही है, पहले यह सिखाएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं द्विघात सूत्र से हल करने की विधि क्या है। जब भी हम द्विघात सूत्र को हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले तुलना करेंगे कि यहाँ पर x² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना, क्या करेंगे, और जब तुलना करेंगे तो उसमें से हम a का मान निकाल लेंगे, तुम्हें पता नहीं आता है ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो a हो जाएगा, x के साथ जो होगा वो b हो जाएगा, जो बेचारा अकेला रहेगा वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तुलना कर लेंगे और तुलना करने पर हम निकालेंगे d का मान, किसका मान निकालेंगे, d को बोलते हैं क्या, d बराबर होता है b² - 4ac, क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। और d को हम बोलते हैं हिंदी में विवेचक, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विवेचक, क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं विविक्तर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विविक्तर। तो विवेचक या विविक्तर का मान निकालना है, ठीक है ना, ये निकाल लेंगे मान, ये निकाल लेंगे ना। और फिर जब ये मान निकल जाएगा तो सूत्र में बैठाएंगे, सूत्र में, सूत्र यानी द्विघात सूत्र में लिखेंगे, द्विघात सूत्र में एक्स बराबर क्या होता है, तो द्विघात सूत्र में एक्स बराबर होता है क्या, -b,
प्लस माइनस डी, प्लस माइनस रूट अंडर डी, प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा टू ए, ये होता है सूत्र। इसमें बैठा देगा तो एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान, एक्स का कितना मान निकलेगा, दो को कितना निकलेगा, क्योंकि द्विघात सभी कहें तो बताए थे जितना घात रहता है हल उतना होता है, बताए थे तुम लोग को। अगर त्रिघात है तो एक्स का मान तीन हो जाएगा, द्विघात है एक्स का मान दो होगा, तो यहाँ दो मान निकलेगा। देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में है ना, एक बार प्लस लेंगे तो एक मान निकल जाएगा, एक बार नीचे क्या है माइनस क्या है, एक बार जब माइनस यूज करेंगे तो फिर दूसरा मान निकल जाएगा, समझ आ गया ना। तो ये सूत्र का यूज करना है, समझ आ गया तुम लोग को। तो पहले डी का मान निकालना है, अगर डी का मान निकाल के इसमें बी के जहाँ पर बी का मान रख दो, ए के जहाँ पर ए का मान रख दो, डी जितना आया है वहाँ पर रख दो, तो अपने आप क्या होगा एक्स का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत है। अब तुम बोलेंगे हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक्स बराबर डायरेक्ट हम डी नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट इस तरह भी तो इसको लिख सकते हैं ना। देखो माइनस बी का माइनस बी, प्लस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का प्लस माइनस। अब तुम बोलेगा डी हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी जहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी के स्थान पर, डी के स्थान पर हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिख सकते हैं और नीचे टू ए के। तो तुम बोलेगा हम डायरेक्ट इसी में मान रख देंगे, बी का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ भी बी का मान रख देंगे, यहाँ ए का मान रख देंगे, यहाँ सी का मान रख देंगे, यहाँ ए का मान रख देंगे और डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़े है। लेकिन हाँ, पहले डी निकाल के अगर इसको निकालेंगे तो सुविधा क्या होगा हम बता रहे हैं। अगर देख यहाँ पर, अगर डी जो है क्या बोल रहे हैं, डी का मान अगर जीरो से बड़ा आ गया, पहला केस क्या है, पहला केस है कि डी का मान अगर जीरो से बड़ा आ गया, डी का मान क्या आ गया, जीरो से बड़ा, समझ रहा है ना, एक दो तीन चार पाँच छः प्लस में कुछ भी आ जाए लेकिन जीरो से बड़ा है। तो जब डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो जो मूल है ना, यानी जो एक्स का मान निकलेगा या वाई का मान निकलेगा, तो जो मूल है ना वो वास्तविक होता है, क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक तो समझ रहा है ना, वास्तविक तो समझ रहा है ना, क्योंकि कल्पना नहीं करना है, वास्तव में इसका मूल होगा, वास्तव में इसका मूल, तो मूल वास्तविक होगा और वो समान होता है, क्या होता है, और वो समान होता है, वो समान तो समझ रहा है ना, दोनों का जो दोनों जो मूल है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, समझ रहा है। समान लेके एक मूल हो गया पाँच, दूसरा मूल भी हो गया पाँच, तो मिल गया ना, तो हो गया समान, क्या हो गया, लेकिन एक मूल हो गया पाँच, दूसरा मूल हो गया दस, तो दोनों क्या हो गया, वो समान, क्या हो गया, तो समझ गया ना। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि डी अभी क्या था, जीरो से बड़ा, डी क्या था, जीरो से, यानी विवेचक या विविक्तर का मान क्या था, जीरो से बड़ा, क्या था, जीरो से। लेकिन ऐसा तो भी हो सकता है ना कि डी जो है बराबर हो जाए जीरो के, ऐसा भी हो सकता है ना। जब ऐसा होगा तो मूल क्या होगा, तो मूल जो है वो होगा वास्तविक, क्या होगा, यानी मूल तो वास्तविक होगा लेकिन यहाँ बराबर हो गया ना, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, समान, क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा, यानी जीरो, यहाँ जाना मूल जो है वास्तविक होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक, लेकिन दोनों मूल जो है ना वो क्या जाएगा, समान, क्या जाएगा, यानी एक मूल पाँच आएगा तो दूसरा मान भी पाँच ही आएगा, एक मूल दस आया तो दूसरा मूल भी दस ही आएगा। अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या हो सकता है बता, यहाँ डी बड़ा था, यहाँ डी बराबर था, ऐसा भी हो सकता है कि डी का मान छोटा आ जाए, ऐसा ना हो सकता है। तो जब डी का मान, जब डी का, यानी जब डी छोटा हो जाए जीरो से, देखो मुँह किधर खोल दिया, हाँ उधर खोल दिया, जीरो तरफ खोल दिया है, यानी जीरो बड़ा आ गया, डी क्या हो गया, छोटा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो इसका मूल जो है वास्तविक होवे नहीं करेगा, अभी वास्तविक हो रहा था ना, दो स्थिति में वास्तविक हो रहा था, जब डी बड़ा था जीरो से और जब डी बराबर था जीरो के, तब क्या हो रहा था, मूल वास्तविक, क्या हो रहा था, मूल। लेकिन जब डी छोटा हो जाएगा जीरो के तो इसका मूल निकलवे नहीं करेगा, यानी इसका मूल हो जाएगा ओ वास्तविक, क्या हो जाएगा, यानी सिर्फ कल्पना करना है, मूल संभव नहीं होता है, यानी मूल क्या जाएगा, ओ वास्तविक, क्या हो जाएगा, तो मूल ओ वास्तविक कब होगा जल्दी बता दो, तो जब डी का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए, यानी माइनस में आ जाए, क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो मूल क्या जाएगा, ओ वास्तविक, क्या जाएगा, और जब मूल ओ वास्तविक हो जाएगा तो उसका मूल निकालेंगे, यानी उसको कल्पना कर रहे हैं, यानी काल्पनिक मूल होगा, क्या होगा, तो जब कल्पना कर रहे हैं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, यानी उसका मूल संभव नहीं है, तो काल्पनिक मूल हो जाएगा, क्या जाएगा, काल्पनिक। और जब मूल्य नहीं निकालेंगे तो क्या हम समान असमान क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, नहीं, समझ आ गया तुम लोग को, समझ तुम लोग का आया, आ गया ध्यान दे। अब तुम लोग बोल, अब देख यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट इसमें बैठाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, इसमें बैठाते हैं तो क्या होगा, ए तो हमको क्या करना है, पहले डी का वैल्यू निकालना है, उसके बाद इस सूत्र लगा के निकाल लेना है। अब तुम बोलेगा इस सूत्र नहीं लगाएगा, हम डायरेक्ट यहीं पर डी का वैल्यू नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम इसी मान रख देंगे, डायरेक्ट इसका मान निकल जाएगा, तो तुम लोग को प्रॉब्लम क्या होगा, देख ये आ गया तो चलो ठीक है, डी का मान जीरो से बड़ा आ गया तो चलो ठीक है, मान निकल जाएगा, डी के बराबर आ गया जीरो के, तो चलो इसमें डायरेक्ट रखेंगे तो मान निकल जाएगा। लेकिन हमको डी अगर छोटा आ गया जीरो के तो इसमें मान रखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम इसमें अगर डायरेक्ट हम इसको यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट हम इसका यूज कर रहे हैं, पता चल रहा है कि डी के हमको डी जो है वो छोटा आ रहा है जीरो से, बड़ा आ रहा है जीरो से, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम पहले डी का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इसमें बैठाते हैं तो पता चल जाएगा, अगर डी आ जाएगा बड़ा तो चलो मान निकल जाएगा, डी आ जाएगा अगर कहाँ, डी आ जाएगा अगर बराबर आ जाएगा जीरो तब भी मान निकल जाएगा, अगर हम डी आ जाएगा जीरो छोटा तो मान कहाँ निकालेंगे, तभी सूत्र का यूज करेंगे, तब ना यूज करेंगे, डायरेक्ट लेंगे मूल अथी इसका मूल संभव नहीं है, इसका मूल संभव,
इसलिए पहले डी निकाल लेना है। क्या निकालना है? डी। पहले डी निकालना है। डी निकालने से क्या हो जाएगा? डी निकालने से पता चल जाएगा कि मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मूल निकलेगा कि यहीं चेक हो जाएगा। अगर ये दोनों आ गया तो मूल निकलेगा, अगर ये आ गया तो मूल नहीं निकालेगा, तो काले हम सूत्र लगाएंगे लगाएंगे समझ आया ना। इसलिए पहले डी ही निकाल लेना। समझ गया? क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि बताओ इसका मूल क्या होगा। तुमको ऑप्शन में दे देगा, एक्स बराबर कुछ दे देगा, फिर एक्स बराबर दूसरा ऑप्शन में बी में कुछ दे देगा, फिर एक्स बराबर तीसरा ऑप्शन में कुछ दे देगा, और फिर एक्स बराबर चौथा ऑप्शन में दे देगा कि इसका मूल संभव नहीं है। इसका मूल संभव, तो पहले डी निकालेंगे तभी पता चलेगा इसका मूल संभव है कि नहीं है। पहले डी निकालेंगे तो पता चलेगा इसका मूल संभव है कि नहीं है। तो पहले डी निकालना है, उसके बाद इसमें बैठा देना है, ठीक है ना। अगर ये आ गया तो लिख देना मूल संभव नहीं है। इसलिए डायरेक्ट सूत्र नहीं लगाना है। इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो देखो यहाँ डी नहीं निकाल रहे हैं हम, डायरेक्ट इसका यूज कर रहे हैं ना। इसे डायरेक्ट सूत्र नहीं लगाना है। डायरेक्ट क्या करना है? पहले डी निकालो, उसके बाद डायरेक्ट ये लगा दो। दोनों तो सेम है, लेकिन पहले डी निकालो उसके बाद ये लगा दो। समझ आ गया बोला? तो दुगास को समझ आ गया ना। अब ये तो हम तुम लोग को बताइए दिए हैं, बता दिया है ना। अब देखेंगे क्या वर्ग करने करके हल करने के विधि। तो ये पहला चैप्टर पहला अभी बताएंगे, एक दो एग्जांपल देंगे, तुम लोग को समझ आ जाएगा। ये सूत्र नहीं है, इसमें वर्ग करके हल कर लेना है। अभी बताएंगे एक दो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। पहला तुम लोग को क्वेश्चन यही है, प्रश्नावली 4.3 में पहला क्वेश्चन यही है, बताते हैं। जल्दी पहले इसको छाप ले इतना। थोड़ा यहाँ ध्यान दे, यहाँ मूल निकालने की विधि कितना था? तीन। कितना था? या इसको हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? द्विघात समीकरण हल करने की विधि। द्विघात समीकरण हल करने की, द्विघात समीकरण हल करने की विधि। हल करने की, जब हल करेंगे तो मूल्य निकलेगा। हल करने की कितना विधि है? तीन। कितना है? तीन। और द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। बराबर क्या? लड्डू। क्या होता है? लड्डू। ये भी लिख लेना, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 4.3। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के, चार को द्विघात समीकरण दिया गया है ना, सब किताब निकालो तुम लोग भी। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व तो समझ रहा है। मूल का अस्तित्व मतलब हुआ कि डी का जो मान है ना वो जीरो से बड़ा है, या डी के मान जीरो के बराबर है, तभी ना अस्तित्व होगा। अगर डी का मान जब जीरो से छोटा होता है तो अस्तित्व होता है मूल का क्या? तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ बोल रहा मूल का अस्तित्व है, यानी डी का मान क्या है? जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा। अब बोल रहा है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें, यानी पूर्ण वर्ग बना के क्या करना? हल करना। क्या करना? तो हम बताते हैं, एक थोड़ा तुम लोग ध्यान से समझो, फिर अपने आप सब समझ आ जाएगा, फिर अपने बना लेगा खुद। तो पहला देखो हम क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग बना के हल करने। तो तीन विधि बताए थे तुम लोग को, तीन विधि बताए थे ना। पहला बताए थे हम क्या? गुणनखंड विधि द्वारा। तो बता दिए प्रश्न वाली 4.2 में बता दिए हम। उसके बाद बताए थे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो अभी वही बताएंगे। फिर अगर बताए थे द्विघात सूत्र से, तो अभी हम बताए थे ना यहाँ पर। तो हम देखते हैं पूर्ण वर्ग बना कैसे हल करेंगे। ऐसे तो इसको हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल दें? यहाँ बोल दें पूर्ण वर्ग बना के ही हल करना है। तो चलो हल करते हैं पूर्ण वर्ग बना के। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर एक का एक पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = लड्डू, यही है ना? अरे यही है ना। चलो इसको पूर्ण वर्ग देखो, जब भी पूर्ण ए बंदर उठा पटा देंगे फट जाएगा जानवर कहीं का। देखा पर जब भी पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे, जब भी पूर्ण वर्ग बना के, तब पूर्ण वर्ग बना के तभी हल करेंगे। यहाँ ध्यान दे, पूर्ण वर्ग बना के तभी हल करेंगे। बंदर कहीं का ट्रकवा जो है ना, चलिए यहाँ ध्यान दे। तो जब भी हम पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे, जब भी पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे, तो ध्यान देना आगे कोई संख्या नहीं रहना चाहिए। आगे कोई संख्या, देखें आगे क्या है? दो। क्या है? दो। तो आगे कोई संख्या नहीं रहना चाहिए। आगे जो कोई भी संख्या है उसमें क्या है? दुश्मनी है। क्या है? यानी आगे हमको कोई भी संख्या नहीं रहना चाहिए, उसको मार के क्या करेंगे? भगा देंगे। क्या करेंगे? यानी आगे कोई भी संख्या आएगा तो उससे हमको दुश्मनी है, उसको मार के काट के भगा देना है। क्या करना है? तो यहाँ पर आगे क्या है? दो। क्या है? अरे बंदर एगो समझ जा, खुद अपने बन जाएगा। समझ गया ना? सब यहाँ ध्यान से देख। तो आगे यहाँ पर क्या है? दो। क्या है? तो आगे अभी हम क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग बना के जब भी हल करेंगे तो आगे कोई संख्या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आगे जो संख्या सबको क्या है? दुश्मनी। क्या है? दुश्मनी। तो दो को मार के भगाना है। दो को क्या करना है? मार के भगाना है। तो दो को कैसे मार के भगाएं? तो दो उसमें जोड़ दें कि दो गुना कर दें कि दो भाग दे दें? क्या करें कि दो भाग जाएगा? जोड़ें कि गुना करें कि भाग करें? तो भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। क्या करेंगे? भाग। तो जय देख यहाँ पर कौन ब्रिसल कर रहा है? तो हम कर रहे हैं पूर्ण वर्ग बना के, पूर्ण वर्ग बनाकर हम हल कर रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करेंगे? आगे कोई संख्या नहीं रहना चाहिए, तो आगे वाला संख्या हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दो को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो से भाग देना पड़ेगा। तो लिखेंगे दो से भाग देने पर, दो से
भाग देने पर, दो से भाग देने पर, यानी चार रहेगा तो चार से भाग दे देंगे, पाँच रहेगा तो पाँच से भाग दे देंगे, जितना रहेगा उतना से भाग दे देना है, कोई दिक्कत? तो यहाँ जब दो से भाग देंगे तो क्या होगा, दो इकट्ठीस हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, यानी बचेगा माइनस का। यहाँ दो से भाग देंगे क्योंकि इसमें भाग दिया तो इसमें नहीं देंगे क्या, सभी में भाग दे रहे हैं कि दो से सिर्फ इसको हटाना है तो इसी में भाग दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे घर में हिस्सा लगता है तो सभी के लिए ना हिस्सा लगता है, तो सभी में भाग देना है, सब में भाग, तो सब के इसमें दो से भाग दे दिए ना, इसमें भी दो से भाग दे, ना समझ तुम लोग का आ रहा है, चलो पूरा देख, दो से भाग दे दिए ना इसमें, अब इसमें भी दो से भाग दे, सेवन एक्स बटा टू प्लस थ्री बटा टू, अरे जीरो बोले जो बोलेगा हमको भी तो इसको भी दो से भाग देना है, इन्हें कि बराबर को पा रहे तो उसको छोड़ देंगे, ऐसा होता है क्या? ये बोलेगा हमको भी दो से भाग दो, क्या सब में दे रहा है तो हमको भी देना पड़ेगा, दे दिए, अब दो से दो क्या हो गया इकतीस हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर, क्या बचा माइनस का, यहाँ क्या बच रहा है सेवन बाय टू एक्स, एक्स तुम लोग ध्यान से देख लो सब अपने खुद बन जाएगा, प्लस का थ्री बाय टू का, आज जानवे कहता है कि जीरो क्या है, भस्मासुर क्या है, यानी इसके साथ जो भी आएगा चाहे गुना में आए चाहे भाग में आए, यानी जिस कोई भी संख्या से इसमें गुना करेंगे या भी या कोई भी संख्या से इसमें भाग देंगे तो क्या कर देगा उसको भस्म, क्या कर देगा भस्म, बोले तो जीरो, यानी दूध से जीरो भाग देंगे क्या जाएगा जीरो, क्या जाएगा। अब यहाँ ध्यान दे, आप तुम लोग को यहाँ द्वितीय सूत्र लगाना है हमेशा, जब ये पूर्ण वर्ग बना के हल करेगा तो हमेशा दो सूत्र लगाना है, एक लगाना है a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के, और एक लगाना है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तुमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और तुम बोलेगा ऐसा ना होता है बी स्क्वायर यहाँ होता है, तो उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यहाँ तीन प्लस पाँच लिखे या पाँच प्लस तीन लिखे, कोई दिक्कत है ना, है ना, अच्छी ना चाहिए ना होना चाहिए, ठीक है ना, उसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और तुम बोलोगे ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं ए स्क्वायर लिख देंगे प्लस पहले बी स्क्वायर लिख देंगे उसके माइनस टू ए बी लिखे, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, चिन्ह खाली सेम ना हो चाहिए, दोनों चिन्ह सेम है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो यही दो सूत्र लगा कि हमेशा पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या कहना पूर्ण वर्ग, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे तुम लोग जो बोल रहे हैं ना ध्यान देना है, जिसमें देखें यहाँ पर जो आगे है वो बन जाएगा ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, और जो बीचा में यानी जो एक्स के साथ है, यहाँ ध्यान दे क्या है, जो एक्स के साथ है उसको हमेशा बनाना है टू ए बी, क्या बनाना है बंदर रे उठा पटा देंगे फट जाएगा, जो बोलते वहाँ ध्यान दे जाम कहीं का, यहाँ ध्यान जो हमेशा एक्स के साथ रहेगा, क्या बोल रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा उसको बनाना है क्या ए स्क्वायर, और जो एक्स के साथ रहेगा उसको हमेशा बनाना है टू ए बी, यानी मान ले गाठ कि जो एक्स के साथ रहेगा उसको क्या बनाना है टू ए बी, जो एक्स के साथ रहेगा उसको क्या बनाना है, चाहे एक्स के साथ हो या वाई रहेगा तो वाई के साथ हो, कोई दिक्कत, तो देखिए यहाँ तो ए स्क्वायर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, इसको ए स्क्वायर बना हुआ है, अब यहाँ ध्यान दे यहाँ पर क्या है माइनस, क्या है तो कौन सूत्र लगेगा, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, जल्दी बता दे, ये वाला लगेगा कि माइनस कहाँ होता है, इसी में होता है, हाँ तो देखिए यहाँ पर तो सूत्र में लगाते ए स्क्वायर हो गया मेरा, ए स्क्वायर हो गया, अब क्या देंगे माइनस, क्या देंगे माइनस, अब देंगे क्या टू, क्या देंगे टू, अब क्या देंगे ए, तो ये मेरा यही ना होगा, इसको ए स्क्वायर बोले तो यही ना मेरा ये है, तो ये मेरा क्या है एक्स, क्या है एक्स, अब तुम लोग ध्यान दो बी हम क्या लें, हमको अभी बी पता ना है, पता है बी, बी हमको पता है, इन्हें बोल रहे हैं कि मेरा बी है, बी अभी हमको पता ना है, बी हम यहाँ पर क्या लें, बी हम यहाँ पर क्या लें कि ये वाला आ जाए, क्योंकि हमको यही लाना है, यहाँ पर बताए थे जो बी एक्स के साथ है उसको लेना है टू ए बी, क्या लेना है तो टू ए बी लेंगे हम, तो बी हम क्या लें, बी हम क्या लें कि ये वाला आ जाए, ये वाला यानी बीच वाला आ जाए, बता क्या घटा हुआ है, यहाँ ध्यान दे घटा क्या है एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है ना, तो एक्स इसके पास भी है, ये तो पूरा हो ले, यहाँ पर सात है इसके पास सात है, यानी सात घटल है, तो बी की जगह पर आएगा सात, क्या जाएगा और कुछ आएगा तो और आएगा क्या, देखें यहाँ पर, यहाँ पर नीचे है दो, कितना है, लेकिन यहाँ पर नीचे दो है, अगर हम यहाँ नीचे दो देते हैं तो हो गया, आ गया क्या, ना आएगा, देखा दो आ रही दो कट जाएगा तो फिर सात एक्स हो जाएगा ना होगा, तो यहाँ हमको लेना कितना ले कि कट के दो बच जाए, कट के नीचे दो तो ले लेते हैं चार, समझ आया तुम लोग को, समझ आया तुम लोग को, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो नीचे हुआ है तो यहाँ दो नीचे नहीं है तो यहाँ दो ले लेंगे तो दो दो फिर कट नहीं जाएगा तो फिर नीचे दो बचेगा नहीं, तो यहाँ पर कितना ले कि कट के दो बच जाए, तो कितना लेंगे चार, कितना लेंगे तो तुम लोग समझ आएगा, बी मेरा क्या हो गया सात बटा चार, यानी बी तुम्हारा अपने मन से निकलेगा, बी यहाँ देल नहीं रहेगा, समझ आ गया ना, बी तुम्हारा अपना मन से, देखो अपना मन से बी निकला है ना सात बटा चार निकला है, तो बी का मान कितना हो गया, देखो ये टू हो गया, ये क्या हो गया टू हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, क्या हो गया, तो अब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसा का दो से दो कटम खत्म हो जाएगा तो सात बटा दो फिर आ गया और एक्स का एक्स आ गया ना बिछोला आ गया ना, हमको कोई दिक्कत ना है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो बी मेरा कितना है सात बटा चार है, इन्हें बोल रहे हैं कि थ्री बटा टू है,
बी अपने आप निकलेगा, तो बी के जहाँ पर हम क्या लिखे 7/4, क्या लिखे 7/4, तो 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल। अब बता ई वाला था कि क्वेश्चन में 7/4 जोड़ल था, ये जहाँ पर हम जोड़ किए हैं 7/4 को हम जोड़े हैं ना, लेकिन क्वेश्चन में जोड़ल था, ये अपना मन से किए हैं तो अपना मन से करने का अधिकार हमको है, झूठो अपना मन से जोड़ दिया अधिकार है, अब झूठो अपना मन से जोड़ दिए तो इसको भगाना भी है कि तुम कहाँ ला गया, क्वेश्चन में नहीं था तो इसको क्या करना, भगाना भी है, क्या करना है, तो यहाँ पर जोड़े हैं ना तो इसको भगाने के लिए क्या करेंगे, जितना जोड़े हैं उतने घटा देंगे, इतने जोड़े हैं हम तो इतना क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे घटा देंगे, तब ना भाग जाएगा ये, ख़त्म हो गया अभी यार ये ख़त्म हो गया, तो फिर उतने बचा है, इतने तो बचा है ना, अब क्या होता है प्लस 3/2 बच रहा है, ये नहीं बच रहा है, अब इसको हमने लिखा है तो लिख दे प्लस 3/, लास्ट में हमेशा जो रहेगा वो हमेशा लास्ट में लिख देना, वो हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, उसको कोई इज्जत ना है, समझ गया ना, बराबर 0 बराबर। अब तीन को तुम लोग पकड़ना है, तीन को क्यों पकड़ना है, क्योंकि देखो सूत्र में तीन अंग है, कितना है, तो तीन को शुरू वाला पकड़ लो, तीन को पकड़ लिया शुरू वाला पकड़ लिए, तुम लोग ध्यान से समझ रहा है तो एगो तुम लोग समझ जाएगा ध्यान से, तो खुद अपने बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान तीन को पकड़ लिए ना, तो क्या हो रहा है यहाँ देख, ए स्क्वायर माइनस 2ab + b², तो ए स्क्वायर माइनस 2ab + b² बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ना होता है, तो ए मेरा कितना हो गया, ए मेरा एक्स स्क्वायर है, ये मेरा क्या है एक्स, क्या है एक्स माइनस का माइनस बी, बी मेरा कितना है, तो 7/4, बी के जहाँ पर 7/4, बी के जहाँ पर हम क्या लिखे 7/4 लिखे हैं, तो बी मेरा क्या 7/4 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, समझ आ गया, तो इसको हम ई लिख सकते हैं ना, इसलिए हम इसको ई लिख दिए, कोई दिक्कत, अब बचिया क्या है ना बच्चा, जो बच्चा उसको लिख दो 47 49 चार के 400 16 प्लस का 3/2 का बराबर लड्डू, कोई दिक्कत है, इतना समझ गए तुम लोग, अब सिर्फ इसको हल कर देना है, मान निकल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, अब इसका क्या करते हैं, तो एक्स माइनस 7/4 के एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर का, अभी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 49/16 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब अगला क्या है, एक्स माइनस 7/4, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर का, और यहाँ लेते हैं भिन्न का जोड़, क्या लेते हैं भिन्न का, तो 16 और 2 कैल्शियम 32 होता है, जानो क्या, 16 और 2 कैल्शियम 16 का तो 49 कोई दिक्कत, फिर माइनस का 2 से 2 का कितना में पड़ेंगे 16 आएगा, 8 बार 8 से 3 में गुना कर 24 हो गया, तो एक्स माइनस 7/4 का एक्स माइनस 7/4 स्क्वायर का स्क्वायर 49 में 16 24 घटा रहे कितना बचेगा 25 कितना बचेगा, और 16 हमको एक्स के मान निकालना है ना, तो सिर्फ एक्स को इधर रखना है, बाकी सबको कहेंगे चल तुम ऊपर, चल तुम नदिया पर, डगरा का यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको एक्स का मान निकालना है, तो बाकी सबको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, कहाँ ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे ना, तो यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ एक्स माइनस 7/4 का एक्स माइनस 7/4 पहले हम स्क्वायर को पार करेंगे, क्योंकि पहले यही है ना, स्क्वायर को पार को जानता है तुम लोग कि जब भी स्क्वायर बराबर के पार होता है तो किससे बदलता है, रूट में, किससे बदलता है, तो यहाँ पर बराबर के पार होगा तो किससे बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, पता है तुम लोग को रूट में बदल गया, अब तुम लोग को पता है कि जब भी रूट में संख्या आता है तो उसको प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, पता है तुम लोग को प्लस में भी और माइनस में भी क्यों लिखते हैं, यहाँ ध्यान दें, अगर हम प्लस चार लें या माइनस दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे, दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो तभी 16 ना आएगा, कोई फर्क पड़ा, यानी यहाँ प्लस में रहे या माइनस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करने पर वही आता है, समझ आ रहा है ना, जो चार का स्क्वायर करेंगे तभी 16, और चार का स्क्वायर करेंगे तभी 16, और माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, इसलिए यहाँ प्लस में रहे या माइनस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जब भी रूट के अंदर तुलना याद रखना, जब भी रूट के अंदर आएगा कोई संख्या तो उसको प्लस और माइनस दोनों में लिखना है, प्लस और माइनस दोनों में, अब तुम लोग बोले प्लस माइनस दोनों में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण दो हल चाहिए ना, देखो प्लस वाला हल हो जाएगा माइनस वाला हल हो जाएगा, समझ आ गया ना, अब एक्स का मान निकालना है तो 7/4 को बोलेंगे चल तुम ऊपर, जो टोई पार क्या कर रहा है, तो 7/4 को क्या करेंगे ऊपर, क्या करेंगे वह पार नहीं करेंगे, तो कर ऊपर, तो यहाँ 25 के बर्म कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा, और 16 बर्म कितना हो जाएगा 4, और प्लस माइनस के प्लस माइनस, और 7/4 को बोलेंगे चल तुम ऊपर, तो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, कोई दिक्कत, अब एक्स के दो मान होगा, क्यों दो मान होगा, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण है, क्या है तो द्विघात समीकरण के दो हल, तो एक बार क्या होगा, एक बार प्लस के साथ लिख दे, एक बार माइनस के साथ लिख दे, तो एक्स बराबर एक पहला क्या होगा, तो पहले प्लस वाला लिख रहे हैं 5/4 प्लस 7/4, पहले प्लस ले लिए तो प्लस ले लिए पहले, अब लेते हैं क्या माइनस वाला, क्या लेते हैं अब ले यहाँ माइनस, क्या ले
माइनस पाँच बटा चार प्लस वाला ले लिया ना, अब ले माइनस वाला, माइनस फाइव बटा चार प्लस आठ बटा चार। अब इसको हल कर, चार चार का सीएम चार, चार चार का सीएम आठ होता है, कौन बोला आठ, अब चार का चार तो पाँच का चार एक प्लस का चार एक का चार तो सात का सात, सात पाँच और नीचे चार का चार तिया बारह, कोई दिक्कत, तीन आ गया ना। अब इसको हल कर तो चार चार का सीएम चार का तो पाँच का माइनस का प्लस का चार का तो सात का, सात में से पाँच गया दो, चिन्ह प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस से लिखाएगा, चार का काट दे एक से और नीचे दो से, आ गया आंसर, समझा तुम लोग। अब तुम लोग बता पूर्ण वर्ग बना के हल करने रहेगा तो हल कर लेगा इसी तरह, हमेशा इसी तरह करना है, हमेशा इसी तरह, चाहे कोई भी हिसाब दे दे बोलेगा पूर्ण वर्ग बना के हल करो इसी तरह करना है, इसी तरह करना है, समझा गया तुम लोग को। पहले क्या करना है, पहले जो संख्या रहेगा आगे उसको ना मार के भगा देना है, कहेंगे तुम्हें भागना जल्दी, समझा गया तुम लोग को। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया एक्स बराबर तीन और यहाँ वाई कहाँ सा गधा के जानवर उतना नहीं पढ़ा, नहीं दो चल रखे समीकरण है, बैले रह जाएगा जिंदगी भर। ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया एक्स बराबर तीन और एक्स बराबर एक बटा दो, ये हो गया आंसर। अब तुम्हें बन जाएगा खुद अपने, जल्दी इसको छाप, पहला मेथड ज़्यादा टाइम दिए समझाने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक का दो, एक का अब थोड़ा फास्ट में जा सकते हैं क्योंकि एक ठोम अच्छा समझा दिए ना। क्वेश्चन नंबर एक का दो, एक का दो बोल रहा है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर बराबर लड्डू, यही है ना। हाँ, इसको बोल रहा है क्या कि इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, पूर्ण वर्ग बना के, यदि मूल का अस्तित्व हो, मूल का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। पहले देखते हैं इसका मूल का अस्तित्व है कि नहीं, मूल का अस्तित्व है कि, तो मूल का अस्तित्व देखने के लिए क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। डी का मान, मूल का अस्तित्व कब होता है, डी का मान जीरो से बड़ा हो या डी का मान बराबर हो जीरो का, तब मूल का अस्तित्व होता है ना। अगर डी का मान छोटा आ गया जीरो से तो मूल का अस्तित्व होता है, मूल का अस्तित्व नहीं होता है। और हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही होता है ना। तो देखते हैं इसका, इसमें मूल का अस्तित्व देखते हैं, यहाँ ध्यान दे, इसमें ए क्या हो जाएगा दो हो जाएगा, बी मेरा क्या होगा, अरे बंद, ए क्या होगा दो क्या होगा, बी मेरा क्या होगा कुछ नहीं आना है तो एक है, और सी क्या होगा माइनस फोर क्या होगा। तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा दो, बी बराबर कितना हो जाएगा एक, और सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस फोर। तुम लोग जब चैप्टर अथी क्वेश्चन नंबर वन जो बताया ना उसमें भी इस तरह लिख के चेक पहले कर लेना, ठीक है ना, हम हल कर दिए ना, क्योंकि वहाँ मूल का अस्तित्व था तब ना निकल गया, तो वहाँ भी कर लेना। तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए, अब बी मेरा कितना है एक, एक का स्क्वायर माइनस का फोर का एक का, एक कितना है दो कितना है, और सी, सी कितना है माइनस फोर, यही है ना, एक का एक माइनस माइनस प्लस चार दुनी आठ चौक बत्तीस एक तैतीस। तो देख यहाँ पे डी का मान तैतीस आ गया है, तैतीस जीरो बड़ा है कि छोटा है, तैतीस जीरो बड़ा है कि छोटा है, यानी यहाँ मेरा आ गया क्या, यहाँ पर मेरा आ गया डी बड़ा आ गया जीरो से, यानी मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व। अब वहाँ क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है, अगर मूल का अस्तित्व हो तब हल करो, तब हल, अगर मूल का अस्तित्व ना हो तो हल, यानी ये वाला आएगा यानी डी का मान माइनस में आ जाएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो हल नहीं करना है, अगर ये दोनों आएगा तो हल करना है, तो ये वाला आ गया ना तो हल करना है, यानी मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व। अब कौन विधि द्वारा हल करना है, तो पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग, तो हम कौन विधि द्वारा हल कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि मूल का अस्तित्व है ना, यानी मूल निकलेगा ना तो मूल का अस्तित्व है तब ना हल कर रहे हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने क्या करते हैं, तो पहले बताया था कि आगे कोई संख्या नहीं होना चाहिए, बताए थे ना आगे कोई संख्या नहीं होना चाहिए, उससे हमको क्या है दुश्मनी, क्या है, तो आगे यहाँ क्या है टू, क्या है तो क्या करेंगे टू को मारने के लिए क्या करेंगे, दो से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर, तो यहाँ पर दो से भाग दे टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर बराबर जीरो दे दिए। अब यहाँ दो से भाग देंगे तो क्या करेंगे, दो से सब में भाग दे, यानी नीचे क्या देंगे दो, क्या देंगे नीचे दो, नीचे दो, नीचे दो, नीचे दो, दे दिए, दे दिए ना। अब दो से दो इकतीस, क्या बच रहा है, बच रहा है एक्स स्क्वायर, क्या बच रहा है प्लस का एक्स बाय टू का माइनस का काट दे, कितना बार में दो बार में, दो सौ जीरो में भाग देंगे तो भस्मासुर भस्म कर देगा, कर दिया ना। अब तुम लोग को पता है कि आगे वाला बनेगा ए स्क्वायर और जो बीच वाला है ना वो बनेगा टू ए बी, क्या बनेगा, कौन सूत्र लगाएं, ये वाला सूत्र लगाएं कि ये वाला सूत्र लगाएं, तो देखो यहाँ पर
यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ बीच में है प्लस, क्या है प्लस। तो बीच में प्लस कहाँ है, इसमें है कि इसमें है? ऊपर है, यानी सूत्र लगेगा, कौन लगेगा, ऊपर वाला लगेगा, ऊपर वाला लगेगा ना। अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को पता है कि आगे वाला बनेगा ए स्क्वायर और बीच वाला बनेगा टू ए बी, क्या बनेगा, बीच वाला को बनाना हलहार में टू ए बी, क्या बनाना है, और पीछे वाला ऐसे ही लिख देना है, पीछे वाला बी स्क्वायर नहीं बनेगा, इन्हें सोच लेना पीछे वाला बी स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ ध्यान दे, तो हम यहाँ बोल रहे हैं क्या ए स्क्वायर, वहाँ सूत्र में क्या बोल रहा है, यानी एस स्क्वायर हो गया, फिर सूत्र में बोल रहा है प्लस, क्या बोल रहा है प्लस टू ए बी, प्लस प्लस दे दिए, आप बोल रहा है टू टू दे दिए, सूत्र में बोल रहा है फिर ए देने, क्या बोल रहा है ए, मेरा कितना एक्स है ना, तो एक्स दे दिए। अब हम बी क्या लें, बी हम क्या लें कि कटने उठने पर इतना आ जाए, कितना आ जाए, तो देख रहे हैं क्या क्या घट रहा है, यहाँ ऊपर में क्या है एक्स, क्या है तो यहाँ भी एक्स है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ नीचे क्या है दो, क्या है नीचे दो है ना, लेकिन यहाँ पर नीचे दो है क्या, तो यहाँ नीचे दो दो देंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे अगर दो देंगे तो दो से दो फिर कट नहीं जाएगा, दो से दो कट नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या दें कि नीचे दो बच जाए, कटने पर दो बच जाए, तो क्या दें चार, क्या दें चार, तो ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर कुछ नहीं, तो एक, अरे यहाँ को संख्या नहीं है ना, तो ऊपर एक हो गया, क्या हो गया, अब देख कटने पर फिर आ रहा है, तो दो से दो कट, दो से चार कट जाएगा, दो बार में कट जाएगा, तो नीचे दो आ गया, और एक्स गुना एक करेंगे तो एक्स हो गया, यानी फिर आ गया ना। अब यहाँ ध्यान देते, ये हो गया टू, ये हो गया ए, हो गया बी, समझ आ गया तुम लोग को, अब ये हो गया मेरा बी, तब वहाँ कुछ सूत्र में बोला प्लस बी स्क्वायर, क्या बोल रहा है, तो बी मेरा क्या है वन बटा फोर, क्या है वन बटा, तो वन बटा फोर के होल स्क्वायर लिख दिए, लेकिन लेकिन कोचरमा में था, कोचरमा में था, ये अपना मन से जोड़ रहे हैं, अपना मन से वो कुछ करने का अधिकार है, तो ना अधिकार, तो इसको जोड़ दिया अपना मन से, इसको अपना मन से जोड़ दिए ना, इसको अपना मन से हटाइए हटा भी देते हैं, अपना मन से इसको इज्जत दिए तो इसको बेइज्जत भी कर देते हैं, इसको क्या करते हैं हटा देते, क्या करते हैं हटा दिए, हटा दिए ना, बेचारा ये दू टुकुर टुकुर देख रहा था, तो दू को अब लास्ट में लिख दो, दू को लास्ट में चिन्ह सहित लिख दिए, बराबर लड्डू का लड्डू, समझ गया तुम लोग, पूर्ण वर्ग विधि तुम लोग समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, पूर्ण वर्ग से बोलेगा किसी का भी हल करने कर देगा ना। अब यहाँ ध्यान दे, इसको हल कर, खाली खाली इसको हल करेंगे हो जाएगा, तो देख यहाँ पर, अब तुम लोग ध्यान से देख, ये तीनों को पकड़ ले, ये तीनों के शुरू वाला तीन को पकड़ ले, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए कितना हो गया एक्स, कितना हो गया एक्स हो गया, यही ना हो गया, और प्लस यहाँ पर सोचो में बोल रहा है प्लस, प्लस दिए फिर बोल रहा है बी, तो बी कितना हो गया वन बटा फोर, वन बटा फोर का होल स्क्वायर, फोर का। अब यहाँ कर ये तीनों का, ये तीनों कट्टीस हो गया, ये तीनों को मिला के हम ही लिख दिए, अब बचा क्या ये बोला, क्या बचा, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह, और माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, दो का दो बराबर लड्डू का लड्डू। अब हमको ये दोनों को ऊपर कर देते हैं, तो एक्स प्लस वन बाय फोर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको कहेंगे चल तुम उपात हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इधर माइनस है, इसको बोलेंगे चल तुम उपात हो जाएगा प्लस में, ना होगा, सब यहाँ ध्यान दे रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ पर हो गया एक्स प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दे कोई नहीं तो क्या एक, क्या है सोलह कैल्शियम, सोलह का सोलह, सोलह का तो एक का एक, एक्स एक से सोलह भाग देंगे, सोलह सोलह दूनी बत्तीस, कोई दिक्कत, एक्स प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब सोल बत्तीस आ रहे कितना तैतीस, सोलह का, अब हमको एक्स का मान निकालना है ना, तो एक्स को इधर रखना है, बाकी बात धीरे धीरे सबको बराबर के पार ले जाना है, तो पहले स्क्वायर को पार ले जाते हैं, किसको ले जाते हैं स्क्वायर को पार ले जाते हैं, तो बोलेगा स्क्वायर जैसे बराबर के पार जाएगा तो हो जाएगा रूट में, किस में जाएगा, और तुम लोग को अभी हम तुरंत बताए थे कि अगर रूट में किसी संख्या को लिखते तो प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, बताए थे, यानी यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों देना है, प्लस और माइनस दोनों देना है, तो यहाँ दे दिए प्लस और दे दिए माइनस, को दिक्कत। अब क्या करते हैं, हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स को सिर्फ इधर रख और बाकी बात सबको उधर ले चल, तो एक्स को इधर रख लिए, एक बटा चार को बोलेंगे चल तुम ऊपर, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, पहले यहाँ ध्यान दे तैंतीस का, कि तैंतीस का बहुमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तैंतीस रह गया जेल के अंदर, यानी रूट के सोलह बहुमूल निकल जाएगा, हाँ कितना होगा, और प्लस माइनस का, प्लस माइनस, प्लस माइनस का, अब प्लस एक बटा चार को बोलेंगे चल तुम ऊपर चल तुम, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, अब बस इसको हल कर दे आंसर रहेगा, तो दो हल नहीं होगा क्योंकि द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात, तो दो हल होगा, एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे तो एक्स बराबर, एक बार क्या होगा, एक बार एक्स बराबर होगा रूट थर्टी थ्री बटा फोर माइनस वन बटा, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है प्लस, क्या है अब माइनस का लेना है, क्या लेना है, तो माइनस वाला ले, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस रूट थर्टी थ्री बटा फोर माइनस वन बाय फोर, समझ तुम लोग आ रहा है, आ रहा है अरे, और इसको हल कर दे, तो चार चार कैल्शियम चार, कितना चार एकम चार, तो रूट तैतीस के रूट तैतीस हो जाएगा ना, हो जाएगा
रूट 33 का रूट 33 माइनस का 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 यही हो गया। अब देख 33 के बलमूल नहीं निकलेगा तो नहीं तो बल जबरी निकाल लेना, जब ना निकाले तो उसको छोड़ दे, ना निकाल रहा है तो इसको छोड़ दे, नहीं कि बल जबरी दशमलव में निकाल लेना, दशमलव में नहीं निकालना। यही हो गया मेरा आंसर, क्या हो गया। अब यहाँ कर तो 4 का बलमूल 4 4 एकम 4 तो 33 का और रूट के माइनस के माइनस के 4 एकम 4 1 एकम यही हो गया क्या आंसर, क्या हो गया। तो एक्स के दोनों मान निकल गया, समझा तुम लोग, तो एक्स बराबर 1 मेरा निकला क्या, इसी को डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं, यही मेरा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, समझ गया तुम लोग, जल्दी कर। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या बोल रहा है, 1 का 3 बोल रहा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर लड्डू, यही है ना। इसको क्या करना है, हल करना है, क्या करना है, कैसे हल करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग पहले देखते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि मूल का अस्तित्व हो, मूल का अस्तित्व पहले चेक करते हैं कि d का मान 0 से छोटा आ जाएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो पहले हम मूल का अस्तित्व चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर कितना 4, b बराबर कितना 4√3 और c बराबर 3। अब d का मान निकाल लेते हैं, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब b मेरा कितना है 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 का ए का ए कितना है 4 कितना है और सी कितना है 3 कितना है। अब देखें यहाँ पर 4√3 का बरमूल रूट खत्म बचेगा 3 कितना बचेगा, अब 4 चौक 16 32 होता है ना, अब यहाँ ध्यान दे 16 48 - 48 का माइनस बराबर लड्डू हो गया, यानी डी का मान कितना आएगा, डी का मान आएगा 0। तो बताया था ना डी का मान 0 से बड़ा आए या डी का मान 0 आए तब भी मूल का अस्तित्व संभव है, बताया था ना, खाली छोटा नहीं आना चाहिए यानी माइनस में नहीं आना चाहिए, माइनस आएगा तो मूल का अस्तित्व संभव, तो यहाँ डी बराबर 0 है यानी क्या है मूल का अस्तित्व संभव है, मूल का अस्तित्व। अब बताया यहाँ पर जो यहाँ पर मूल जो आएगा वो बराबर होगा कि अलग अलग होगा, बराबर होगा क्योंकि यहाँ बराबर आ गया ना, बताया था मूल यानी जो आएगा यानी 5 आएगा तो 5 दोनों आंसर होगा, समझ रहा है ना, एक क्या मूल आएगा लेकिन उसी को 2 बार लिख देना है क्योंकि यहाँ पर बराबर ना आ गया 0 यानी मूल का अस्तित्व बराबर होगा, तो मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व। अब कौन वृक्ष हल करना है, तो हमको हल करना है पूर्ण वर्ग बनाकर, कौन वृक्ष हल करना है पूर्ण वर्ग वर्ग बनाकर ना हल करना है, कौन सा वृक्ष हल करना है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग तो बताया था पूर्ण वर्ग बनाकर जो हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अगर आगे कोई संख्या है तो उसको मार के भगा देना है, मार के भगा, तो देखें आगे यहाँ पर क्या है 4 क्या है 4 को हमको मार के भगाना है, भगाने का एक ही तरीका है कि भाग दे दो, जितना है उसी से भाग दे दो, तो 4 से भाग रहते क्या रहते 4 से, तो 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर 4 से भाग दे इसमें तो 4x² / 4 प्लस 4√3/4 प्लस 3/4 बराबर लड्डू हो गया, कोई दिक्कत है। अब 4 से 4 कट्टीस तो क्या बच रहा है, बच रहा है x² प्लस का 4 से 4 कट्टीस तो क्या बच रहा है √3, यहाँ x छूट गया √3 x का x प्लस का और 3/4 का और 0 का, अब खाली इसका इलाज कर दे बस हो गया। चल क्या है मेरा x² प्लस का प्लस √3 x का √3 x प्लस 3/4 का 3/4 बराबर 0 बराबर। अब क्या करेंगे, तो बताए थे ना कि आगे यहाँ कौन सूत्र लगेगा, ये लगेगा कि ये लगेगा, तो हमको लगेगा ऊपर वाला लगेगा क्योंकि बीच में है प्लस, बीच में है इसमें भी बीच में प्लस है ना, यानी ऊपर वाला लगेगा, कौन लगेगा आगे वाला बन जाएगा a² क्या बन जाएगा a² और जो बीच में है जो x के साथ है उसको बनाना है 2ab क्या बनाना है a² और जो पीछे वाला है उसको b² नहीं बना देना है, वो ऐसे ही रहेगा ठीक है ना, b² कुछ अलग बनता है ना। तो चल देखते हैं, तो यहाँ पर हो गया मेरा क्या a² a प्लस प्लस 2 a, ये कितना है मेरा x है ना x। अब बी हम क्या लें, बी हम क्या लें कि बीच वाला आ जाए क्योंकि हम बीच में 2ab बना रहे हैं, तो बी हम क्या लें कि बीच वाला आ जाए, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x तो यहाँ भी x है ठीक है ना, लेकिन यहाँ है √3 है तो हमको √3 देना पड़ेगा,
देना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ रूट थ्री देंगे तो कितना गए, रूट थ्री एक्स गुना दो, लेकिन यहाँ गुना दो ना नहीं है ना, यहाँ गुना दो है क्या? तो हमको दो को मार के भगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुना दो है नहीं है, लेकिन यहाँ तो गुना दो है, तो दो को मार के भगाना पड़ेगा। दो को मार के भगाने क्या करेंगे, दो से भाग दे देंगे, दे दिए दो से भाग, समझ आ गया? यानी बी के जहाँ पर हम क्या लिखे, बी के जहाँ पर लिखे हैं रूट थ्री बटा दो, यही लिखे हैं। तो बी का मान कितना हो गया, रूट थ्री बटा, देख दो कट जाएगा फिर रूट थ्री एक्स आ जाएगा। तो बी जहाँ पर लिखे रूट थ्री बाय टू, क्या लिखे रूट थ्री बाय, अब बोल रहा है प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, तो बी जहाँ पर हम यही लिखे हैं तो प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन ये अपना मन से किए, यहाँ पर कहीं है क्या, देख तो क्वेश्चन में कहीं है, इसको अपना मन से इज्जत दिए तो अपने मन से बेइज्जत कर देते, नहीं जोड़े तो आप क्या करें, घटा दें। इसको अपने मन से जोड़े हैं ना, इसको अपना मन से घटा दिए, नहीं बेइज्जत कर दिए। अब बचा कौन, बचा कौन मेरा, थ्री बाय फोर, टुकुर टुकुर देख रहा था कि हमको कब लिखेगा, अब इसको लिख देते हैं थ्री बाय बराबर लड्डू हो गया। अब शुरू वाला तीन को पकड़ना है, शुरू वाला तीन को, तो शुरू वाला तीन को पकड़ ले तीन को शुरू वाला। अब देख ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का, तो यहाँ भी हो जाएगा ए प्लस बी का। तो ए मेरा क्या है, एक्स क्या है, बी मेरा क्या है, रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर लिख दिए ना। अब जो बचा है उसको लिख दिया, तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे कितना, थ्री, दो का स्क्वायर करेंगे कितना चार, प्लस का तीन बटा चार का तीन बटा चार। अब यहाँ तुम ध्यान से हम देख, यहाँ ध्यान से तुम लोग देख, माइनस में थ्री बाय फोर प्लस में थ्री बाय फोर दोनों कट्टिस हो जाएगा, खलास ना हो जाएगा। तो बचा मेरा क्या बचा, एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर बराबर लड्डू, यही बचा, यही बचा रहे। अब स्क्वायर के ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है, तो स्क्वायर के ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में हो जाएगा जीरो, रूट में हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस अगर दे देते हैं तो प्लस में जीरो या माइनस में जीरो का फर्क पड़ता है, जीरो तो जीरो अपने खुद है, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो बोलेंगे हम प्लस में जीरो रुपया दिए तो क्या फर्क पड़ेगा, बोलेंगे माइनस में जीरो रुपया दिए क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा फर्क। यानी यहाँ पर हो गया एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू बराबर जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो नहीं तो प्लस में होता, नहीं तो माइनस में होता है। अब एक्स का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर तो माइनस रूट थ्री बाय टू। अब इसी एक्स का एक मान नहीं निकला, हम बोले थे कि अगर एक मान निकलेगा तो उसी को दो बार लिख देना है। एक के मान क्यों निकला, क्योंकि हम बताए थे कि यहाँ डी बराबर जीरो आ गया, यानी क्या है मूल बराबर है, तो बराबर है तो यानी यही दो बार लिखाएगा, यानी सी को दो बार क्या करना है, लिख देना है, क्या करना है, यही हो गया मेरा क्या आंसर। समझ तुम लोग का आया, क्वेश्चन नंबर चार देख, समझ तुम लोग का आया रे। अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखो तो इसको एक तरीका और बनाने का है, यहाँ ध्यान दे, अगर इसको तुम लोग ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर यही था ना, कहाँ पर था, हाँ यहाँ पर यही था ना, इसको तुम लोग ध्यान से देखो तो ये पहले से वर्ग बना ले, पहले से वर्ग कैसे बना ले, तो ध्यान दे, फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री बराबर लड्डू, ये पहले से वर्ग बना लेगा, तुम लोग इसको ध्यान से देखो तो, ये तो बताइए ना दिया हम थोड़ा, इसको अगर ध्यान से तुम लोग देखेगा तो ये पहले से वर्ग बना लेगा, कैसे पहले से वर्ग बना ले, तो यहाँ ध्यान दे, ये दूसरा तरीका हो जाएगा, दूसरा तरीका खाली इसी में लग रहा है, दोनों में लगेगा क्योंकि पहले से वर्ग बना लेते तभी इसमें बता रहे हैं हम, समझा रहे हैं ना, वो दोनों पहले जो बताया था, दो पहले जो बताया था पहले से वर्ग नहीं बना था, ये पहले से वर्ग बना ले, देखिए यहाँ पर कैसे पहले से वर्ग बना लेते, यहाँ ध्यान दे, इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, दो दूनी चार एस वर्ग एस स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर बोला है प्लस टू ए बी, तो टू, फिर बोला ए, तो ए मेरा कितना हो गया टू एक्स, कितना हो गया, फिर बोल रहा है बी, तो बी मेरा कितना हो गया, बी मेरा कितना है, तो बी हम क्या लें, देखिए यहाँ पर बी हम क्या लें, तो बी लेना है तीन, क्या लेना है, तो बी स्क्वायर ना होता है, क्या होता है बी, तो हम तीन को क्या ले सकते हैं, रूट थ्री के स्क्वायर करेंगे, रूट थ्री के तब ना तीन आएगा, देखो यहाँ पर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तब ना तीन आएगा, इसे हम लिए यहाँ पर बिग जहाँ पर क्या लिए रूट थ्री, क्या लिए, तो यहाँ देख टू ए, अब देना है बी, क्या देना है, तो बी यहाँ पर क्या लिखेंगे रूट थ्री, क्या लिखेंगे रूट थ्री प्लस का प्लस, देखो हो गया ए स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा टू ए बी करेंगे, देख दो दूनी चार, रूट थ्री का रूट थ्री एक्स का आ गया बीच वाला, अब देखिए बोला आता है क्या रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो आ रहा है, तो देख ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है प्लस बी का, तो यहाँ ए प्लस बी, बी मेरा क्या है रूट थ्री है ना, रूट थ्री के होल स्क्वायर बराबर क्या लड्डू, क्या अब इसको से कह सकते हैं स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा ना हो जाएगा, और रूट में जीरो का फर्क पड़ता है प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, तो टू एक्स प्लस रूट थ्री बराबर क्या जीरो, तो इसलिए टू एक्स बराबर क्या तो माइनस रूट थ्री, इसलिए एक्स बराबर क्या तो रूट थ्री बटा दो, इसी को दो बार लिख देना है क्योंकि एक एक नहीं आया है, देख इससे भी निकल गया क्यों, क्योंकि पहले से वर्ग बनल था नहीं बनल था, तो हम तुम लोग को बनाना यही भी बनाना है, लेकिन बता दें कि इस तरह देखिए पहले से वर्ग बना ले, बता दिए ना, तो जल्दी कर छाप, ये भी लिख लेना, ये भी लिख लेना, चलो यहाँ ध्यान दो। अगला क्वेश्चन तुम लोग देख, एक का चार, एक का चार।
एक के चार में तुम लोग डी के मान निकाल, जब डी के मान निकालेगा जा जाएगा, डी के मान आएगा जीरो छोटा आ जाएगा, जब जीरो छोटा आ जाएगा तो उसका मूल का अस्तित्व संभव नहीं है, जब संभव ही नहीं है तो क्या हल करेंगे, करेंगे ना। चलो देखो तो लिख यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए बराबर कितना होगा जल्दी बता दे, ए बराबर कितना होगा, देखा यहाँ पर, यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, दो कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना होगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है वन गुना है, सी बराबर क्या हो जाएगा चार, और डी के जैसे मान निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी बराबर कितना है, एक कितना है तो एक का स्क्वायर माइनस का फोर का ए, ए कितना है दो, और सी कितना है चार, तो कितना हो गया एक माइनस चार दूनी आठ चौक बत्तीस, तो कितना बत्तीस में से घटेगा कितना बचेगा इकतीस, माइनस का चिन्ह बड़ा है क्योंकि माइनस में बत्तीस गो है तो माइनस इकतीस, माइनस डी के मान क्या आ गया, डी आ गया है, डी आ गया है छोटा किससे, जीरो से, क्योंकि माइनस से छोटे है ना, यानी मूल का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए मूल का अस्तित्व संभव, मूल का अस्तित्व संभव नहीं है, संभव जब संभव ही नहीं है तो हल काल करेंगे, करेंगे जब इस, क्योंकि जो यहाँ पर जो माइनस इकतीस है ना, आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा माइनस इकतीस, समझ आ रहा है ना, आगे तो प्लस माइनस अभी करेगा कि रूट के अंदर आ जाएगा माइनस इकतीस, और तुम लोग ध्यान रखना कि रूट के अंदर कभी भी माइनस में नहीं होता है, रूट के अंदर कभी माइनस में नहीं होता है, रूट के अंदर कभी माइनस में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ध्यान दे, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस में रहेगा, मान लो माइनस सोलह है रूट के अंदर, ए बंदर रे यहाँ ध्यान दे, रूट के अंदर मान लो माइनस सोलह है कितना है, इसका क्या करेंगे, इसका माइनस चार लिखेंगे, माइनस चार लिखेंगे प्लस चार क्योंकि फर्क पड़ता है, ध्यान देना है कि रूट के अंदर कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर कभी माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या हो गया इसका अस्तित्व नहीं, इसका अस्तित्व तुम लोग देखना पूर्ण वर्ग बना के हल करने की कोशिश करना, रूट के अंदर आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा माइनस इकतीस, क्या आ जाएगा माइनस, इसलिए इसका मूल का अस्तित्व संभव, तो हल करना पड़ा, तो इसलिए बोले थे तुम लोग पहले क्या, पहले डी का मान निकालो, अगर डी का मान अगर जीरो छोटा आ गया तो क्या हल करेंगे, आगे हल करेंगे, क्योंकि मूल नहीं निकलेगा तो आगे हल करेंगे, इसलिए पहले डी का मान निकालो, अगर डी छोटा आ गया तो लिख देंगे मूल का अस्तित्व संभव, अगर डी का मान बड़ा आ गया या बराबर आ गया तब हल करेंगे, इससे पता चल जाता है ना, इसलिए जब भी तुम लोग दिगास से हल करना है तो पहले डी का मान निकालना, उससे पता चल जाएगा हल आगे करें कि आगे नहीं करें। अब क्वेश्चन नंबर दो कितना रखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, दो क्या बोल रहा, उपयुक्त प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, यानी जो उपराम दिले है ना, यानी क्वेश्चन नंबर एक में चार गो दिले है ना, बोला इसका मूल जो है ना अभी कैसे ज्ञात करें, तो द्विघात सूत्र के उपयोग करके, द्विघात सूत्र बताया था ना अभी कि डी का मान निकालो, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या बताया था, उसके बताया था कि मूल यानी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा टू है, बोले थे ना, उस सूत्र का उपयोग करके हल करना, उस सूत्र का उपयोग करके तुम हल कर लेगा अपने से, देखें आप फटाक सा बोला क्वेश्चन नंबर एक में जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर एक अभी चारों बताया थे ना, उसी को हल करना है, लेकिन कौन विधि से, दूसरा विधि से, कौन विधि से, कौन विधि से हल करना है, तो द्विघात सूत्र का उपयोग कर, द्विघात सूत्र का, चलो देखते हो, देख फटाफट हम कर देते हैं, क्या है टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, दो नंबर में यही बोल रहा है कि एक नंबर ला हल करना है, लेकिन दूसरा विधि से, कौन विधि से, चलो देखो यही है ना, कौन विधि से हल करना है, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, द्विघात सूत्र का, तो देखो एक नंबर, एक नंबर मेरा यही है ना, तो पहले क्या करेंगे, पहले ए बी सी का मान निकालेंगे, ए बी सी का, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करो, सी से तुलना, जब तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो देखिए ए एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया, दो, कितना हो गया, यहाँ एक्स के साथ जो क्या है बी, तो यहाँ बी बराबर क्या हो गया, माइनस सेवन, माइनस सेवन, और सी बराबर क्या हो गया, थ्री, क्या हो गया, अब डी का मान निकालो, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी मेरा कितना है, माइनस सेवन, माइनस सेवन के होल स्क्वायर माइनस का फोर का फोर ए, ए मेरा कितना है, दो, कितना है, और सी कितना है, तीन, अब इसको हल कर सती उनचास, चार दुनिया आठ, अठतिया चौबीस, तो कितना हो गया, पच्चीस, कितना हो गया, यानी डी का मान आ गया जीरो से बड़ा, ना आ गया जीरो से बड़ा, यानी मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व ना है, अस्तित्व, अब अस्तित्व तो आगे हल करना पड़ेगा ना, कौन विधि से हल करना है, तो पूर्ण वर्ग से नहीं बोल रहा है, बोल रहा है क्या, द्विघात सूत्र का उपयोग कर, द्विघात सूत्र का, द्विघात सूत्र को ही बोलते हैं हम श्रीधराचार्य विधि, क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य, क्योंकि धराचार नामक गणितज्ञ ने सूत्र को दिया, इसलिए अपना नाम पर रख ले, तो बोलते उसको श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य, तो द्विघात सूत्र का उपयोग, द्विघात सूत्र के, तो द्विघात सूत्र क्या है, तो द्विघात सूत्र मेरा है एक्स बराबर क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा टू है, यही है ना, अरे यही है ना, तो यही करना है, अब यहाँ ध्यान दे, तो माइनस बी क्या बोल रहे हैं, माइनस बी, तो चलो यहाँ करते हैं,
माइनस का माइनस बी मेरा कितना है बता दे, माइनस सेवन कितना है, माइनस सेवन, प्लस का माइनस का रूट अंडर डी, तो रूट का डी मेरा कितना निकाले, पच्चीस, कितना निकाले और टू का ए मेरा कितना है, दो, कितना है दो। अब इसको हल करेंगे क्या होगा, यहाँ ध्यान दे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का प्लस माइनस के माइनस हो जाता है, प्लस माइनस दोनों लिखेंगे ना, पच्चीस के वर्गमूल और दो दूनी चार, यही ना हो रहा है मेरा एक्स बराबर, एक्स बराबर मेरा यही ना हो रहा है। अब इसको एक बार प्लस के साथ लिख दिया, एक बार माइनस के साथ लिख दिया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर मेरा हो जाएगा एक बार प्लस के साथ, यानी सात प्लस पाँच बटा चार, और एक्स बराबर दूसरा क्या हो जाएगा, सात माइनस पाँच बटा सात, सात पाँच बारह, बारह बटा काट दे कितना, तीन, कितना हो गया, सात में पाँच है कितना, दो बटा चार, दो एक दो, चार दूनी सॉरी दो दूनी चार है बटा दो, यही मेरा क्या हो गया आंसर, समझा तुम लोग, तो सब अपने बना लेगा चारों, अपने खुद कर लेगा अंडे, ताकि हम कायल हल करें जुटो, दो का एक जो तुम लोग अपने खुद कर लेना, और जब दो का चार कर सॉरी जब चार नंबर हल करेगा तो फिर क्या जाएगा, डी का मान क्या जाएगा, जीरो छोटा आ जाएगा, और जब डी का मान जीरो छोटा आएगा तो हल नहीं करना है, हल करना है इस तरह के डायरेक्ट ले देना, मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व, तो तुम लोग दो नंबर तीन नंबर अपने खुद कर लेना, कर लेगा ना कोई प्रॉब्लम, तुम लोगों को प्रॉब्लम कमेंट करके तुम लोग को बताना है, इतना नहीं कर पाएगा दशम बेकार पड़ता है। चलिए आने अंडे, क्वेश्चन नंबर दो में बोल रहा है उपयुक्त समीकरण है, यानी एक जो एक में दिया गया ना उदाहरण चार को, अभी हम जिसको बताए थे पूर्ण वर्ग बना के बताए थे ना, उसी को बोल रहा है द्विघात सूत्र का उपयोग करके बनाने के लिए, तो एक हम बना दिए ना, तुम दो नंबर तीन नंबर चार नंबर अपने फिर बना लेना है, ठीक है ना, और चार नंबर में फिर डीक मान निकालेगा, हल करने जो होते नहीं पड़ेगा, डीक मान छोटा जाएगा जीरो से, ले देंगे मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व हम बता रहे हैं समीकरण क्वेश्चन नंबर तीन का एक, क्वेश्चन नंबर तीन का एक, क्वेश्चन नंबर तीन का एक में ध्यान से पढ़, यहाँ ना बोल रहा है कि कौन विधि से हल करना है, बोल रहा है खाली बोल रहा है मूल ज्ञात करें, क्या बोल रहा है कौन विधि से हल करना नहीं बोल रहा है, तो जब कौन विधि से हल करना नहीं बोल रहा है तो कोनो विधि हम लगा सकते हैं, कोनो विधि लगा सकते हैं, पूर्ण वर्ग लगा दे या सूत्र वाला लगा दे या तो अति गुणनखंड विधि लगा दे, तीन विधि होता है ना, कोनो विधि लगा सकते हैं, समझ गए तुम लोग। चलो पहले इसको हम अथी करते हैं, देखें यहाँ पर यहाँ कोई नहीं क्या है, क्या है पहले इसको द्विघात समीकरण बदलते हैं हम, तो यहाँ कोई नहीं क्या है, एक्स क्या है, एक है क्या है, तो एक्स आर वन क्या सी एम एक्स एन होगा, और अभी द्विघात समीकरण भी नहीं ना, द्विघात के रूप में ना, चूँकि पहले द्विघात के रूप में बदल रहा है, तो ए वन एक्स कैल्सियम एक्स, अब वन से एक्स में भाग देंगे तो एक्स आएगा, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एक्स कट्टीस, तो वन का वन बराबर का थ्री का, यहाँ बोल रहा है एक्स जो है जीरो के बराबर ना है, तो उससे कोई मतलब ना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, मतलब एक्स के जो है यहाँ जीरो ना है, क्या है ताकि एक्स मान लो यहाँ जीरो ले लेंगे हम, तो जीरो से एक में भाग लेगा, जीरो कितनों भी पढ़ लो एक आएगा कभी, जीरो दस बार पढ़ेंगे तो जीरो गुना दस जीरो, जीरो सौ बार पढ़ेंगे तो जीरो गुना सौ जीरो, जीरो एक लाख बार पढ़ेंगे तो जीरो गुना एक लाख जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं है, खाली ये बोल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। चलो अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का माइनस वन का एक्स को बोलेंगे चल तुम ऊपर, तो तीन गुना एक्स हो जाएगा ना हो जाएगा इधर आएगा, तो अब इसको लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर का पहले दो पावर ला, अब एक पावर वाला आएगा, तो एक पावर वाला इसको इधर लाएंगे तो माइनस में थ्री हो एक्स हो जाएगा, इधर प्लस में इधर पर आने पर अब माइनस वन का और लड्डू का द्विघात समीकरण बन गया ना, बन गया। अब इसको तुम लोग को हल करने का तीन हथियार है, एक है कौन गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, और दूसरा तीसरा है क्या, तीसरा है द्विघात सूत्र से, द्विघात किससे हल करते हैं बता तुम लोग, हम चलो द्विघात सूत्र से हल करते हैं, द्विघात सूत्र से कैसे करते हैं, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से हल करते हैं, द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से हल करने के लिए ए पगली, द्विघात सूत्र से हल करने के लिए, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले तुलना करते हैं, क्या करते हैं तुलना, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं, तो देखो जो आगे ए हो जाएगा तो आगे यहाँ पर क्या है कुछ ना है, तो ए क्या है, तो ए बराबर एक, ए बराबर जो एक्स के साथ है वो बी हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा माइनस थ्री, चिन्ह सही, तो सी कितना हो जाएगा माइनस वन, यही होगा ना। आप निकालते हैं डी का मान, कैसे निकालते हैं, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही होता है ना, बी मेरा कितना है माइनस थ्री, कितना है तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस का फोर का फोर, ए ए मेरा कितना है वन, और सी सी कितना है माइनस वन, माइनस अब इसका इकाल लो तीन तिहाई, माइनस का माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, माइनस माइनस चार का चार, फिर चार का नौ चार कितना तेरह, तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान जीरो से बढ़ाना यार बोलना रे, डी का मान क्या आया, डी का मान आया जीरो से बढ़ा, डी का मान आया जीरो से, इसलिए मूल का अस्तित्व है कि ना, तो ना है अस्तित्व,
तो मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। अब मूल जो निकालेंगे तो क्या आएगा, दी के मान जीरो से बड़ा है ना, तो मूल निकलेगा, दोनों निकलेगा अलग अलग, क्योंकि बड़ा है जीरो से, तो वो समान होगा। क्या होगा, अब निकालते हैं सूत्र से, क्या निकालते हैं सूत्र से, निकालते हैं मूल, क्या निकालते हैं, तो सूत्र बड़ा क्या होता है, तो एक्स बराबर होता है मेरा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा टू है, यही होता है ना, अरे यही होता है ना, तो एक्स का एक्स बराबर के बराबर माइनस का माइनस बी, बी मेरा कितना है माइनस थ्री, कितना है माइनस थ्री, प्लस माइनस का और डी का डी, तेरे का डी मेरा तेरे है ना, और टू का ए मेरा कितना है एक, कितना है एक हो गया। तो एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखते हैं क्या, नहीं छिपा रहता है प्लस माइनस का, प्लस माइनस रूट तेरे का, तेरे बन मुझे निकलेगा तो छोड़ दीजिए दुए का, इसी को दो बार लिख दे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के, और तेरे बन मुझे निकालना, नहीं निकाले तो क्या निकाले, तो इसको दो बार लिख दे, एक बार लिख दे तीन प्लस रूट तेरे बटा दू, दूसरा लिख दे एक्स बराबर तीन माइनस रूट तेरे बटा दू, यही हो गया मेरा आंसर। समझा तुम लोग, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर अब कितना है, इतना आपने नहीं कर पाएगा रे, नहीं कर पाएगा तो बंद रहे एकदम है ना, छापने में पागल रहता है। देख क्वेश्चन नंबर तीन का दो नहीं कर पाएगा इतना तुम लोग, क्वेश्चन नंबर तीन का, क्वेश्चन नंबर तीन का दो, तीन का क्वेश्चन नंबर तीन का दो क्या है, देख वन बटा एक्स प्लस फोर, वन बटा एक्स प्लस माइनस वन बटा एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस बराबर क्या है ग्यारह बटा तीस, क्या है, और यहाँ बोल रहा है कि एक्स के जो मान है ना उन्हें तो माइनस चार लो न तो माइनस सात लो, बोल रहा है एक्स बराबर नहीं है माइनस चार और माइनस सॉरी माइनस चार और सात के, तो इस पर ध्यान नहीं देना है तुम लोग को, क्यों बोल रहा है कि एक्स माइनस चार नहीं लेना, क्योंकि माइनस चार यहाँ लेंगे ना तो माइनस चार प्लस चार कट जाएगा ना, तो नीचे हो जाएगा जीरो, नीचे जीरो जीरो होना चाहिए कि नहीं, तो नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा है माइनस चार नहीं लेने, यहाँ एक्स बराबर सात क्यों नहीं बोल रहा लेने, क्योंकि नीचे अगर सात लेंगे ना बराबर सात में सात जाएगा क्या जाएगा जीरो, क्या जाएगा और जीरो नीचे होता है कि अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए बोल रहा नहीं लेने, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, इसको आप हल करते पहले बदल, इसको द्विघात समीकरण है, पहले कैसे बदलेंगे, अभी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है ना, स्टैंडर्ड रूप में है नहीं है, तो पहले इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण में, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ भिन्न का जोर घटा हो रहा है तो भिन्न का घटा कर, तो एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस सेवन का एलसीएम लेते हैं, एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस सेवन हो गया, अब एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर कट्टीस बच गया एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन से इसमें गुना कर तो वही हो जाएगा, वही ना एक्स में गुना करेंगे तो माइनस का एक्स माइनस सेवन से एक्स माइनस सेवन कट्टीस आ रहे हैं तुमको, अभी सब बनवा लेते हैं, मेहंदी उदी सब लगवा देते हैं तुमको, अभी अच्छा से मेहंदी लग जाएगा, एक्स माइनस सेवन से एक्स माइनस सेवन कट्टीस हो गया, बचेगा क्या एक्स प्लस फोर, क्या बचेगा एक्स प्लस फोर इसमें गुना करेंगे तो एक्स प्लस फोर ही होगा, एक्स में गुना करेंगे तो ग्यारह बटा तीस के ग्यारह बटा तीस, अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, एक्स का माइनस सेवन का माइनस माइनस का एक्स का माइनस प्लस चार का चार हो गया, अब यहाँ गुना कर, तुमको भोज खिलाने बताए थे ना, ये जाएगा दोनों को खिलाएगा, ये भी जाएगा दोनों को खिलाएगा, यानी ये जाएगा इसमें भी गुना करना है इसमें भी करना है, ये भी जाएगा इसमें गुना करना है इसमें गुना करना है, जा रहा है पूरी लेकर, इसमें इसको पूरी दे दिया यानी एक्स स्क्वायर, अब इसको भी पूरी देगा ना, क्या आ जाएगा इससे, तो एक्स गुना सात क्या आ जाएगा सेवन एक्स प्लस का, ये जा रहा सब्जी देते सब्जी इसको भी देगा तो चार गुना एक्स क्या आ जाएगा फोर एक्स ना होगा, और चार गुना माइनस सात सात चौक अट्ठाईस माइनस अट्ठाईस बराबर ग्यारह बटा तीस, समझ आ रहा है ना, अभी खाली हम द्विघात समीकरण बदलने के लिए हल कर रहे हैं, जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो तुरंत हल हो जाएगा ना जाएगा, अब देखिए प्लस में एक्स माइनस में एक्स खलास हो गया, माइनस में सात और माइनस में चार माइनस में ग्यारह गो हो गया ना, अब यहाँ ध्यान दे यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर का, यहाँ देख माइनस में सात गो एक्स प्लस में चार गो एक्स, तो माइनस में प्लस में घट जाएगा सात में चार जाएगा कितना तीन एक्स, चिन्ह किसका बड़ा है तो माइनस में सात गो है तो माइनस बड़ा है ना, प्लस में चार एक ना है तो माइनस बड़ा है तो माइनस दिए, माइनस अट्ठाईस का माइनस बराबर ग्यारह बटा तीस का ग्यारह बटा अक्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर करने आता है तुम लोग को तो कर इसको, तो तीस आके इधर गुना होगा तो ग्यारह गुना तीस अगर तिया तैतीस अगर तिया तैतीस और माइनस का और जीरो का जीरो, अब यहाँ इसको जाके इसमें इसमें गुना होगा ना होगा यहाँ ना, तो थोड़ा ध्यान दे यहाँ थोड़ा यहाँ ध्यान दे, गुना नहीं करना है क्योंकि देखो ग्यारह ग्यारह कट जाएगा ना, कैसे कटेगा यहाँ ध्यान दे, माइनस ग्यारह गुना तीस को माइनस ग्यारह गुना तीस लिख दिए ना, इसको या किसमें गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा ग्यारह गुना पूरा हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस थ्री
एक्स माइनस 28 यही है ना। अभी क्या करते हैं, 11 को हम इधर भेज देते हैं, या नहीं तो ई 11 को हम इधर भेज देते हैं, भाग में हो जाएगा, और नीचे 11 ऊपर 11 कटिस ना हो जाएगा, यानी ई 11 ये 11 खलास, इसलिए गुना ना किए, गुना करते दिक्कत हो जाता है ना, कट गया तो काट दे। अभी क्या करें, यहाँ पर 30 का 30 और यहाँ बच रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इस 30 को बोलेंगे तुम इधर क्या कर रहा है, चल तुम ऊपर, चल तुम तो इसको 30 को ले जाएंगे ऊपर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 3x का माइनस 3x माइनस 28 का माइनस 28, 30 से प्लस में इधर जाएगा तो यहाँ ध्यान दे 30 प्लस में ना है, खाली 11 कटा है, 11 कटा है, माइनस तो बचे नहीं गया, माइनस ना बच गया, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस, क्या जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे जब इधर ही चल गया तो इधर जीरो नहीं लिखना, जीरो कभी इधर नहीं लिखते, जीरो हमेशा उधर ही लिखते हैं, समझ आ गया ना तुम लोग को, इन्हें कि बराबर देख के इधर जीरो लिख देना, आगे जीरो बराबर देखने कभी नहीं लिखते, पीछे लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दे, एक्स स्क्वायर का माइनस 3x का, आप देख 30 में से 28 चल जाएगा, कि प्लस माइनस में है तो बचेगा 2, कितना बचेगा, चिन्ह माइनस के बराबर कि प्लस के बराबर है, तो प्लस के बराबर है, प्लस में 30 को है ना, तो प्लस दे दिए बराबर। अब हल कर दे, हल करने जानता है ना, अब हल करने क्या तरीका है, तो पहले ए बी सी लिखा, डी का मान निकाल, उसके बाद सूत्र में बैठा दे, हल हो जाएगा, तो इसको तुलना करते किसको, अब हल हो जाएगा, द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया ना, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ आगे नहीं आया तो क्या है, ए क्या है, तो ए बराबर तुलना करने पर यहाँ ए बराबर कितना, एक, बी बराबर कितना, माइनस 3, बी बराबर कितना, माइनस 3, और सी बराबर कितना, 2, कितना है, अब डी का मान निकालेंगे ना, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, यही होता है ना, तो बी स्क्वायर, बी मेरा कितना है, माइनस 3, स्क्वायर क्या, स्क्वायर बटा 2, डी में बटा 2 होता है, उठा पटा देंगे फट जाएंगे गला के, सुतरब ना होता है, अरे टंगरूनी पसार के बैठ के जाए, 4 का माइनस का माइनस 4 का ए, ए मेरा कितना है, एक, और सी, सी कितना है, 2, यही है ना, तो कितना हो गया, 3 तिहाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसका करेंगे तो माइनस का 4 दूनी और एक साठ, 4 का 4, 4 दूनी तो कितना आ गया, डी का मान 1, कितना आ गया, अब डी का मान 1 आया तो 1 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 एक अथी डी का मान 1 आया, 0 से बड़ा है छोटा है, तो सिंपल बात है कि डी क्या है, 0 अथी 1 मेरा क्या है, 0 से बड़ा, 0 से, तो यहाँ मूल का अस्तित्व संभव है कि नहीं, संभव है ना, तो यहाँ डी ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल का अस्तित्व, मूल का अस्तित्व संभव है, अस्तित्व संभव है, संभव नहीं है, संभव है। अब क्या करना है, अब निकालना है मूल, क्या निकालना है, सूत्रबा लगा दे, ये बोला कहाँ सूत्रबा है, सूत्रबा ही लगा दे, निकल जाएगा मूल, समझ आ गया ना, समझ तुम लोग आया, तो कर सकता है इतना तुम लोग, पहले तुम लोग अच्छा पैसे हम कर ये देंगे, लेकिन तुम लोग करना अपने, चलिए ध्यान दे, छापना भी बंद कर, क्या लिए थे, मूल का अस्तित्व संभव है, मूल का अस्तित्व संभव, आप क्या करेंगे, मूल निकालेंगे, यानी एक्स का मान निकालेंगे, तो कौन से किससे निकालेंगे, सूत्र से, किससे निकालेंगे, सूत्र क्या बोलता है, द्विघात सूत्र क्या बोलता है, द्विघात सूत्र से, द्विघात, तो द्विघात सूत्र क्या बोलता है, द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र क्या बोलता है, एक्स बराबर एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है, यही बोलता है, तो माइनस का माइनस, बी मेरा कितना था, बी कितना था, कहाँ निकाले थे, हाँ बी कितना है, माइनस 3, कितना है, माइनस 3, तो माइनस 3 दे दिए, प्लस माइनस का रूट का डी, डी कितना निकाले थे, एक, कितना निकाले थे, एक, तो एक दे दिए, बटा 2 का, और ए, ए मेरा कितना है, ए है 1, कितना है, 1 हो गया, इतना ना तुम लोग कर पाता, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखते हैं क्या, आगे प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस का, और एक के वर्गमूल क्या होता है, एक का वर्गमूल बोले तो एक, एक का घनमूल बोले तो एक, समझ रहे हैं तुम लोग, एक और दो का 2, इसी को दो बार लिखना है, क्योंकि क्या है मूल, यहाँ ध्यान दे, इसको क्या करना है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लिख दे, तो एक बराबर एक बार क्या हो जाएगा, 3 का 3, एक बार प्लस ले और 1 का और 2 का, और एक बार आप माइनस ले, तो 3 का आप माइनस ले ले, 1 का 1 और 2 का 2, 3 का सॉरी 3 एक 4 और 2 का 2, 3 में से 1 गया और नीचे 2 का 2 से काट दे, 2 बार में 2 से काट दे, 1 बार में, यही मेरा क्या हो गया आंसर, समझा तुम लोग, तो आज इतने ही रखते हैं, ठीक है, कल इसका खत्म कर देंगे पार्ट 2 में, पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर हो गया, ठीक है, तुम लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर, और लाइक जो नहीं किया वो लाइक कर दे, और इस चैनल के बारे में अपना अगल बगल में बता दोस्तों उसको, ठीक है, धन्यवाद, तुम लोग छाप।